दशकों से लंबित मधाना कोला सड़क को वन विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस सड़क के निर्माण से यमुनानगर से पावन तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी के लिए सड़क मार्ग की दूरी 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। राजपूत सभा के जिला अध्यक्ष नरेश चौधरी ने बताया कि राजपूत सभा लगभग 3 दशकों से इस सड़क को फॉरेस्ट क्लियरेंस दिलवाने के लिए प्रयासरत थी। उन्होंने बताया कि 19 अक्टूबर को विभाग का पत्र मिला है, जिसके अनुसार इस सड़क को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। अंतिम मंजूरी पीडब्ल्यूडी द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर मिलेगी। ये सड़क फांदी, बोडीवाला, जंगलोट, मधाना व धारटी धार के अन्य दूरस्थ इलाकों को कोलर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग से कनेक्ट करेगी। इससे धारटी धार व गिरिपार की 23 पंचायतें लाभान्वित होंगी। ये आज का जो हमारा मेन उद्देश्य है, मधाना टू फांदी वाला, इस सड़क के बनने से, ये सड़क 1984 में शुरू हुई थी, जो कि बन करके 1990 में 1984 तक बनी थी। उसके बाद 1996-97 में ये सड़क का निर्माण वार्षिक मधाना तक हुआ, जो 2003-4-5 में संपन्न हुआ। उसके बाद इस सड़क का निर्माण जो कि बैदा से कोल्डर बननी थी, ये कोल्डर से निर्माण होकर फांदी बोडी वाला तक बनी, जिसमें डबल लाइन पुल प्रेम कुमार जी ने पुल का शिलान्यास किया उस टाइम की भाजपा सरकार ने, और उस रोड के लिए उसको सिंगल लेन की जगह डबल लेन बनाया, क्योंकि इस सड़क से 25-30 पंचायतें, भारती की 10-12 पंचायतें और गिरी पार की पंचायतें हैं, ये शॉर्टेस्ट कनेक्टिविटी है हरियाणा से करनाल, दिल्ली, राजस्थान, अम्बाला से रेणुका के लिए जाने के लिए, रेणुका के बाद के जाने के लिए। अगर हम वाया नहान होकर जाएंगे तो हमें 45 किलोमीटर शॉर्ट ये रूट पड़ेगा, और वाया पौंटा होकर के हम रेणुका जाते हैं तो ये 30-35 किलोमीटर शॉर्ट पड़ेगा। इसलिए इस रोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसके लिए पिछले 5 सालों से राजपूत सभा के कार्यकारी नरेश चौधरी ने बड़ा अथक प्रयास किया, और लोगों के साथ लोगों ने भी, पंचायत मधाना के लोगों ने, धारटी धार के लोगों ने समय समय पर वीरभद्र सिंह से मिले, उस तत्कालीन मुख्यमंत्री, और उन्होंने बड़ी उसमें रुचि दिखाई, लेकिन विभागीय फॉर्मेलिटी की वजह से उस समय इसने बहुत 5-6 बार जो देहरादून से वापस आया, एक बार टर्न डाउन भी हो गया था, लेकिन लोगों की इसके के कारण वहाँ पर हमने कन्विंस किया। और सबसे बड़ी अहम रोल जो पत्रकार बंधुओं का हमारा इसमें रहा, उन्होंने समय समय पर हमारे इस समस्या को उठाया, जब धरना प्रदर्शन की तैयार नहीं दी गई तब भी, और विभाग के बाद में जो है विभाग ने खासकर वन विभाग के और पीडब्ल्यूडी विभाग के, वन विभाग के वर्तमान जो हमारे DFO हैं कुमार रंगेश जी, उन्होंने बड़ा इसमें रुचि ली और हमारे साथ जो है देहरादून में 2-3 बार गए और हमारा विभाग को कन्विंस करवाया, और उसकी वजह से वर्तमान जो एक्शन है पीडब्ल्यूडी के, इन्होंने भी बड़ी रुचि दे करके ये अभी जो है कल ही हमें जो इसकी परमिशन प्रेस करें, इसके 840 स्पीड है इनकी, फैलेंगे परमिशन हमें दे दी गई है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पौंटा साहिब से धीरज चोपड़ा।